मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और मोटापे के लोग को घटाने के लिए तो बाजाबता एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। लोग तरह तरीके के एक्सरसाइज करा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आयुर्वेद क्या कहता है अगर मोटापा हो गया है जी तो क्या करें? आयुर्वेद ये कहता है कि अगर मोटापा हुआ है, ज़्यादातर कारण यही है कि आपके डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ही हुआ है। कुछ कुछ क्रॉनिक केसेस हो जाते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ज़्यादातर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ही हुआ है। आप रात को 9-10 बजे डिलीवरी मंगा के खा रहे हैं, आप रात सुबह देर से उठ रहे हैं, आपका दिन में आप हल्का खाते, रात को डिनर आपका सबसे भारी होगा, तो मोटापा तो होना ही है। कुछ 4-5 चीज़ें कहता है आयुर्वेद। सुबह उठ के अगर आप हल्का गर्म पानी पीजिए तो आपकी जो अग्नि है, जठर अग्नि जो है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी आप खाएंगे बहुत अच्छे से पचेगा आपको। दूसरी चीज़ है, हमारे हमेशा पूर्वज कहते थे चबा के खाना चाहिए। हम चबाना भूल गए हैं, हमें खाना ऐसे टेक्सचर में मिल गया है कि 3 बार चबा के हम निगल लेते हैं। अगर हम अच्छे से इसे आराम से स्वाद लेके चबाएं, आप देखिए आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जिस तरीके से खाना हमारी फिजियोलॉजी बॉडी पचाती है, पूरा चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज़ है बर्फ़ वाला पानी। आपने ये देखा होगा जितने भी लोग अब, और आप सही में घर जाके देख सकते, जितने भी लोग बर्फ़ वाला ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हमेशा उनकी पेट होता ही है। आप ये देख लीजिए, आपको एक केस नहीं मिलेगा जिसका जो बर्फ़ वाला पानी पीता है उसका पेट नहीं निकला। क्यों? क्योंकि बर्फ़ आप ले रहे हैं अपनी अग्नि के ऊपर, अगर आप ठंडा बर्फ़ डालेंगे क्या होगा, अग्नि तो बुझ जाएगी ना। तो हमें तो अग्नि को रखना है, सहमत रखना है, हमें तो अग्नि को ऐसे रखना है कि वो बैलेंस रहे। तो बर्फ़ वाला पानी, ठंडे जूसेस, ठंडा पानी खाने के साथ नहीं लेना। हमें अपनी मेन मील, जो सबसे भारी मील है, वो 11 बजे से 2 बजे के बीच में करनी चाहिए। लंच हमारा आपको जो मन करे आपको खाना है आप खाइए, अच्छा भारी खा सकते हैं, लेकिन डिनर आपका लाइट होना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है, ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ये आपको सीरियल बेचने वाली कंपनीज ने ये टैगलाइन इन्वेंट की है, ये असली में नहीं है। आयुर्वेद कहता है ब्रेकफास्ट लाइट करिए, लंच हैवी करिए और डिनर लाइट करिए। ये अगर हम करेंगे, और फिर 7 बजे से पहले डिनर करिए और 10 बजे तक आप सो सकते हैं। 10-10:30 तक आप मैक्सिमम कर लीजिए, बट 10-10:30 तक आप सो जाइए। ये सब चीज़ें करिए, आपका अपने आप ही मेटाबॉलिज्म इतना कम होगा, आपको कोई कोर्स, कोई डाइटिशियन, कुछ नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद मुझे एक महीने बाद कहेंगे यार मुझे तो फ़र्क पड़ा है। एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये जठराग्नि है क्या, और हम शाम का खाना सूर्यास्त से पहले खा लें, ऐसा क्यों? देखिए, जठर अग्नि हमारे पेट के अंदर की अग्नि होती है। अग्नि मतलब कुछ भी आप उसको देंगे वो उसे ट्रांसफॉर्म करती है, उसे कुछ और रूप में करती है। तो ऐसे जठर अग्नि क्या करती है, हम जो खाना लेते हैं उसको रस में बनाती है, और वो रस हमारे शरीर लेता है। अगर वो अग्नि खराब हो तो रस की जगह बनता है आमा। आमा मतलब जहर, टॉक्सिन्स। तो अगर आपकी अग्नि अच्छी, हेल्दी है, बैलेंस्ड है, वो आप जो भी खाएंगे वो रस में बनेगा। बट अगर आपकी अग्नि बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो जो आप खाएंगे वो टॉक्सिन्स बनेगा, वो जहर बनेगा। और वो जहर साइंटिफिकली अब जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेज और डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जिनको लोग इनक्योरेबल कहते हैं, वही आमा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि रस डाइजेस्ट हो जाता है, आमा भी अंदर आ जाता है। और ऐसे लोग जो खाते समय पानी पी लेते हैं या ठंडा पानी पी लेते जी, वहाँ क्या होता है इस जठर अग्नि का? जो जठर अग्नि है, सम अग्नि होना चाहिए। सम अग्नि मतलब बैलेंस अग्नि। अगर उसमें आप ठंडा पानी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मंद अग्नि हो जाएगी। मंद मतलब डल। मंद अग्नि जब हो जाएगी, अब आप एक हवन देखेंगे, अग्नि बुझने वाली होगी, आप उसमें बहुत सारी सामग्री डालोगे, बुझी जाएगी ना। तो यही होता है, तो वो और ज़्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं, आमा बनता है हमारे शरीर में। और वो आमा से हमारे अंदर इतनी सैकड़ों बीमारियाँ पैदा होती, जितने भी ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं सब। अब मॉडर्न साइंस भी अब उसमें गट रिसर्च कर रहा है, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, कैसे अब्जॉर्ब होते हैं ये सारे ऑटो इम्यून डिजीज, जिसका अभी तक किसी को सीक्रेट नहीं पता था। आयुर्वेद 5000 साल पहले लिख चुका है इसका सीक्रेट, वो है आमा। तो अगर हम सही में अपनी अग्नि बैलेंस रखेंगे, हमें कुछ नहीं होगा।
और यही आज का सबसे बड़ा लेसन है, लेसन है, मंत्र है जी। देखिए खाना खाते हैं और खाना खाते समय हम क्या करते हैं कि पानी पी लेते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारे पेट की अग्नि है जो खाने को डाइजेस्ट करती है, और अगर हमने उस पानी पी लिया तो पानी जैसे ही उस अग्नि पर पड़ेगा तो खाना पचना, जो पाचन का काम था उस अग्नि का, वो पचना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, और जब खाना सड़ेगा तो पेट का क्या हाल होगा, अपच, कुपच, गैस और बहुत सारी बीमारियाँ, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन यानी पेट की जो बीमारियाँ हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा बीमारियों की जड़ हो जाती है। लिहाजा खाना खाते समय पानी ना पिए, ऐसा कहना है लक्ष्मण जी का। तो खाना खाते समय अगर पानी ना पिए तो कब पिए? खाना खाने से थोड़ा सा पहले आप गर्म पानी पी सकते हैं, खाना खाने के बाद भी आप हल्का सा रूम टेम्परेचर पानी हल्का सा गर्म ले सकते हैं। थोड़ा सा ड्राइनेस हो रही है माउथ में, एक एक सिप ले सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है लोगों के पास बड़े बड़े ग्लास होते हैं जिसमें बर्फ़ रहती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जूस होते हैं, वो खाने के साथ साथ पीते रहते हैं, वो बिल्कुल ना करें।